हेलो, हाँ जी, यस प्लीज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो बच्चों? ठीक है, आज मैं आपको ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि अच्छे मार्क्स सीए फाइनल कॉस्टिंग न्यू सिलेबस एससीएमपी में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में कैसे लेकर आए। बहुत आसान है, बहुत आसान है और बहुत ही आसान है। सिर्फ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या? तो सबसे पहली बात मेरी है एबीसी एनालिसिस, ठीक है, मतलब कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो जब आप रिवाइज करोगे तो आप कैटेगरी ए में हम बात करेंगे 100 मार्क्स के पेपर की, ठीक है। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है हमारे इंस्टीट्यूट ने सर। पहले एक केस स्टडी, ठीक है, 20 मार्क्स की, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, एग्जैक्ट थ्योरी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है कि भाई टॉपिक से रिलेटेड आपसे बात पूछ लेगा कि जैसे जस्ट इन टाइम है, क्या बेनिफिट है, ठीक है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, टारगेट कॉस्टिंग है, कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है, कहाँ अप्लाई होता है, इस तरीके के क्वेश्चन है कि जैसे बेंच मार्किंग है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, टाइप ऑफ बेंच मार्किंग क्या क्या है, इस तरह से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिकल के साथ में एक पूछ लेगा और फिर कंप्लीट प्रैक्टिकल। तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओके। हालांकि वो इंस्टीट्यूट में ये लिखा है कि नोटिफिकेशन में कि 20 मार्क्स की केस स्टडीज है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, 30 मार्क्स की भी आ सकती है और कम की भी आ सकती है, बट तीन पार्ट्स है, ओके। तो हम इसको ऐसे करते हैं। अच्छा, कैटेगरी ए में हम कहते हैं हमारे पास है ट्रांसफर प्राइस, हमारे पास क्या है, ट्रांसफर प्राइस, ओके। सेकंड है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और थर्ड है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये तीन टॉपिक तो सबसे पहले तैयार करने हैं, ओके। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, ओके। ट्रांसफर प्राइस की बात करूं तो इसमें सारा पार्ट, ये नहीं कोई भी एक पार्ट, मतलब बेसिकली बेस्ट स्ट्रेटेजी बेस्ड इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस, ड्यूअल प्राइस, यहां पर आपको बताया था कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन 10-14 मार्क्स कवर करके देगा वो, ओके। तो आप इसको करोगे कैसे, पहले इनके कॉन्सेप्ट पढ़ना, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं, पहले इनके कॉन्सेप्ट पढ़ना, ठीक है, फिर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको रीड करना और अपने आप करने की कोशिश करना, ऑडिट मत करना, ओके, फिर अपना दिमाग लगाओगे तो हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। इसमें देखो ध्यान से, मेटीरियल प्राइस, लेबर, बेसिक बेसिक रीड कर लेना ताकि आगे के लिए बेसिक फाउंडेशन मिले। मतलब हम ये एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे एटलीस्ट कि बेसिक क्वेश्चन आएगा मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, बट वो एक रीड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। उम्मीद क्या है, कौन सा पार्ट, रिकंसिलेशन, कौन सा है, रिकंसिलेशन, राइट, मेन पार्ट रिकंसिलेशन का, प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरियंस और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विद एबीसी और लर्निंग कर्व वाला भी, ठीक है। तो ये वाले पार्ट इसमें आप जरूर करके जाना। फिर तीसरा टॉपिक हमारे पास है चैप्टर नंबर 8 जो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसमें ईवीए का कॉन्सेप्ट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू फॉर मनी है, परफॉर्मेंस प्रिज्म है, परफॉर्मेंस पिरामिड है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ट्रिपल बॉटम लाइन और बैलेंस स्कोर कार्ड, ठीक है। इसमें केस स्टडी के ज्यादा थोड़े चांसेस बनते हैं कि सर केस स्टडीज कवर कर दे वो, ठीक है। तो जो भी पार्ट आपका केस स्टडीज का आएगा इसके अंदर, राइट, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज वेल एज ईवे का प्रैक्टिकल बेस्ड, ओके। बट इसमें ये ध्यान रखना है जैसे वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो कि स्कूल और स्कूल है, हॉस्पिटल है या कोई क्लीनिंग अथॉरिटीज है, तो उनकी बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और केपीआई क्या होते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये थर्ड बजटरी कंट्रोल, इसमें उम्मीद करते हैं केस स्टडीज बियॉन्ड बजटिंग, या फिर अगला पार्ट फीडबैक कंट्रोल, ठीक है। तो 50 मार्क्स आपके इसमें आराम से कवर हो जाएंगे, बहुत आराम से। तो अगर मैंने तीन पार्ट्स कवर कर लिए, ये चार पार्ट्स कवर कर लिए, तो मेरे 50 मार्क्स तो हाथ में आ गए, समझ रहे हो, नहीं, अब मैं सेफ हो गया एक तरीके से। पर ये मतलब नहीं है, ध्यान रखना, मैं बीच में बता रहा हूं,
ये कभी मत करना, ठीक है, कि सर पास एग्जाम देख लो उसके हिसाब से ट्रेंड बना लो, कि सर ये इतना कर लेते हैं और इसमें से इतना आ जाएगा, वो मत करना। ये कैटेगरी वाइज सिर्फ समझाने का पर्पस ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, समझ गए? जैसे आप की फैक्टर में करते हो ना कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये, सेकंड पर ये, थर्ड बनाने तो सारे ही हैं, करने तो सारे ही हैं, नहीं तो पता क्या सिचुएशन होगी। मैं यहां पर, मुझे एक दो पंक्तियां याद आ रही हैं, जरा सुनना ध्यान से, हम क्या कहना चाहते हैं यहां पर आपको, या मैं ये कहना चाहता हूं, एक अगर आप ऐसा नहीं करोगे कि जो एबीसी तीनों को करना है बट फर्स्ट किसको करना है, इसलिए अगर आप ये सोचोगे कि मैं सिलेक्टिव कर लूं, तो ऐसा मत करना कि सर जी आप कैसी बातें करते हो, सागर जैसा सिलेबस है, सागर जैसा सिलेबस है, ठीक है सर जी, नदी के बराबर तो हम पढ़ते हैं क्योंकि हम सिलेक्ट कर लेते हैं, नहीं, सागर जैसा सिलेबस है, नदी के बराबर पढ़ते हैं और उसमें से भी हम अपने हिसाब से समझते हैं पानी के गिलास के बराबर, नहीं, सागर जैसा सिलेबस है, नदी के बराबर हम पढ़ते हैं और उसमें जो समझ में आता है रिटेन रखते हैं हम, वो पानी के गिलास के बराबर, और मार्क्स आते हैं चुल्लू भर पानी के बराबर, तो बताओ जरा कहां खड़े हो गए आप। तो ये सिचुएशन नहीं आनी है, नहीं आनी है, नहीं आनी है, ठीक है, हमें करना तो सारा ही है, हमें करना तो सारा ही है, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट, बट प्रायोरिटी बेस कर रहे हैं बस हम, ठीक है, ताकि हम सिक्योर होते चले, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब बी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, बी कैटेगरी में चैप्टर नंबर 1 स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट, पोर्टर के 5 मॉडल, ठीक है, वैल्यू चेन, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटी, ओके, मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट, इसमें हमारे पास क्या करना है, TQM, राइट, लीन सिस्टम, जस्ट इन टाइम वगैरह, और कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और पैरेटो एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, इसमें DPP, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, तो यहां से आपको 30 मार्क्स का पेपर तो मिल ही जाएगा। ये टॉपिक आपको सेकंड कैटेगरी पर तैयार करने हैं, क्लियर पार्ट, फिर लास्ट कैटेगरी पर तैयार करना है डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट, लास्ट आपको तैयार करना है डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट और प्राइसिंग डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन में लर्निंग कर्व ज्यादा एप्लीकेबल होता है, ओके, डिसीजन मेकिंग में सारा आ जाता है, कवरेज, की फैक्टर हो गया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, रेलिवेंट कॉस्ट हो गए, मेक और बाय डिसीजन हो गया, ओके, तो यहां से आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही, राइट, तो इस तरीके से अगर आप तैयार करोगे तो आपके पास टोटल 100 मार्क्स की कवरेज हो जाएगी, क्लियर पार्ट, पर ये ध्यान रखना सिलेक्टिव मत करना, सिलेक्टिव मत करना, नहीं तो जो मैंने बताया फिर उसमें आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है, कंप्लीट करना है आपको, पर करना किस स्टेज पर है वो एक प्रायोरिटी मैंने आपको दी। अब करना कैसे है दूसरी बात आती है, ठीक है, हाउ टू रिवाइज, ठीक है, हाउ टू रिवाइज से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, हाउ टू ओवरकम, सर ये मतलब खत्म कैसे करें हम, तो देखो एक बात ध्यान रखना, पैशनेट होना चाहिए, बी पॉजिटिव, मतलब हमारे पास ना एक थॉट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे, क्योंकि देखो जैसा सोचोगे ना वैसा ही बनोगे आप, समझ रहे हो, अगर आप ये सोचो, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसको गलत तरीके से ले जाओ कि सर मेरा रैंक आएगा, ये सोचते रहो तो रैंक आ जाएगा, मेरा ये मतलब नहीं है कहने का, आप सोचो कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरा रैंक आएगा, तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि पॉजिटिव एनर्जी आएगी और पॉजिटिव एक्ट आएंगे, समझ गए, मतलब जैसा हम सोचेंगे ना वैसी एनर्जी हमारे पास आ जाएगी और वैसी सिचुएशन क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, पास समझ आ रही है, क्योंकि नेगेटिव थॉट कभी भी मत आने देना अपने दिमाग में, एक नेगेटिव थॉट जो है ना वो सबको खराब कर देता है। एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं, एक बार क्या हुआ था, एक कैदी था, ठीक है, ये सही कहानी है, सच्ची कहानी है, आप इसको थोड़ा सा गौर से सुनना, उसको फांसी होने वाली थी, कुछ साइंटिस्ट ने उसको सुझाव दिया, देख भाई तेरे को तो मरना है, फांसी तो तुम्हें होनी ही है, वो टल नहीं सकती, हाँ सर मैं भी जानता हूं, आई नो वेरी वेल, तो हम तेरी फांसी को
थोड़ा सा आसान बना सकते हैं अगर तुम चाहो तो, नहीं तो फांसी का फंदा तैयार है, लटकोगे तो थोड़ा कष्ट भी होगा, थोड़ा क्या ज्यादा ही कष्ट होगा, जब तक सांस खत्म नहीं होती तब तक आपको लटकाया जाएगा। कहते सर आप बताओ अगर आपके पास कोई अच्छा है तो। तुमने कहा देखो हम आपको एक चेयर पे बिठा देंगे, ठीक है, और कोबरा सांप से आपको डसवाया जाएगा, उससे आपकी थोड़ी सी डेथ इजी बन जाएगी, इफ यू एग्री, अगर आप सहमत हो तो। उन्होंने सोचा हाँ भाई मुझे तो मरना है, जैसे मर्जी मार लो, पर इसे मुझे लगता है थोड़ा सा इजी मौत हो जाएगी जल्दी। तो उसने हाँ कर दी, पेपर वेपर सारी डॉक्यूमेंटेशन साइन हो गई। अब नेक्स्ट डे जब टाइम आया तो उसको बिठा दिया और सामने दिखा दिया कोबरा सांप। अब देख लिया उसने, अब क्या उसने स्टार्ट कर दिया, ये कोबरा आएगा और मुझे डसेगा और मैं मर जाऊंगा, वो थॉट उसके दिमाग में चलता रहा, ठीक है। 20 मिनट के बाद उसका ऊपर काला कपड़ा ढक दिया, ठीक है, फिर भी वो सोचता रहा। तो उसके 10-15 मिनट के बाद व्हाट दे डिड, कुछ नहीं करा उन्होंने, सांप को वहीं रखा, सिर्फ एक पिन चुभा दी अच्छे से। और पता क्या हुआ, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ही डेड, उसकी मृत्यु हो गई। और जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी बॉडी में पॉइजन पाया गया, समझ गए। तो इस इवेंट से हमने क्या समझा कि हम जैसा सोचते हैं ना, उसने तो सोचा कि भाई कोबरा आएगा और मुझे डसेगा, तो उस थॉट से उसके ऑर्गन्स ने पॉइजन क्रिएट कर दिया, समझ गए। तो यहां से हम ये बात कहते हैं बी पॉजिटिव, जैसा सोचेंगे ना वैसी सिचुएशन क्रिएट होती चली जाती है, समझ गए। तो हम सोचेंगे कि हम अच्छा पढ़ते हैं, हम अच्छी तरह तैयारी करेंगे, तो वो पैशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मैं सिंपल कहूंगा ना बी पैशनेट बी पॉजिटिव, होगा सर ये सब कहने की बातें होता तो है नहीं। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका यही है कि आप बार बार सोचो, तो जैसा सोचोगे वैसा ही क्रिएट होगा और उसी तरह से आप काम करने भी लगोगे, समझ गए बात। क्योंकि एक बात भी सोचो ना, नेगेटिव सोच के होगा क्या, तो पॉजिटिव ही सोच लेते हैं तो शायद कुछ हो जाए, ऐसा सोचो, समझ गए। एक मैं और बात बताता हूं, एक जैसे सचिन तेंदुलकर जी हैं, है ना, इतने बड़े कहते थे गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, तो यूं ही नहीं कहा जाता, नहीं, ओवरनाइट स्टार कोई भी नहीं बनता है। अर्ली स्टेज में जब क्रिकेट खेलते थे वो, तो एक बॉलर थे ब्रेड हॉग, उन्होंने ना उनको क्लीन बोल्ड किया और बहुत खुश हुए वो उनको क्लीन बोल्ड करके, ठीक है, क्योंकि नाम तो था ही उस समय भी। जब मैच खत्म हुआ तो वो बॉलर उनके पास गए, मैंने आपको क्लीन बोल्ड किया, आई एम वेरी हैप्पी और ये मेरी लाइफ में एक बहुत ही मतलब मेमोरेबल इवेंट था, तो आप इस बॉल पर प्लीज आपने साइन दीजिए, मैं इसको संभाल के रखूंगा। तो सचिन तेंदुलकर जी ने सोचा थोड़ी देर, 1 मिनट, फिर उस पर साइन करे कि दिस इवेंट विल नेवर कम इन योर लाइफ, ये क्षण अब आपकी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा। आप समझ रहे इस बात का, छोटी सी लाइन का क्या मतलब है, और एक्चुअल में कभी नहीं आया, कभी उन्होंने बोल्ड नहीं करा दोबारा उस बॉलर ने, मतलब इस लाइन के पीछे क्या पर्पज है, उन्होंने इस पर इतनी मेहनत करी होगी कि वो इवेंट दोबारा ना आए। सेम मैं बात कर देते थे MS धोनी जी की, फर्स्ट मैच में जब वो रन आउट हुए थे, है ना, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप से एक कमिटमेंट ले ली, यार मुझे दोबारा ऐसी सिचुएशन में नहीं आना है। इट मींस उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी होगी, तो देखो उसके बाद किसी भी मैच में वो रन आउट नहीं हुए, समझ रहे हो, डिसिप्लिन, जैसे कहते हैं ना, जिसका अनुशासन उसी का शासन, समझ गए। और ठीक है लास्ट मैच में हुए, बट पूरी द होल कैरियर में नेवर रन आउट, है ना। एक और मैं बात करता हूँ, पिकासो सुना होगा नाम, एक पेंटर, एक लेडी उनके पास आई कि सर 50 सेकंड में मुझे एक पेंटिंग बना के दीजिए, तो उन्होंने फटाफट एक पेंटिंग ड्रॉ कर दी। उन्होंने कहा व्हाट द प्राइस, 50 लाख। अरे 50 लाख रुपीज इतने 50 सेकंड में, क्या मजाक करते हो। उन्होंने कहा आप जाओ मार्केट में पता कर लो। वो मार्केट गई और कहीं उसे पूछा, सबने कहा कि हाँ अभी इतनी कीमत है। फिर लौट कर आई कि सर कीमत तो इतनी है, बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, पूछूं। मैंने कहा हाँ, आपने 50 सेकंड में इतनी महंगी पेंटिंग कैसे बना दी। तो उन्होंने कहा आपको ना 50 सेकंड नजर आ रहे हैं, उसके पीछे मेरी 30 साल की मेहनत नजर नहीं आ रही, समझ रहे हैं। तो कोई भी इंसान जो बड़ा बनता है वो यूं ही नहीं बन जाता है, तो अगर हमें भी बड़ा बनना है, हमें भी एक ऊंचाई ऊपर जाना है, तो वी हैव टू पैशनेट, हमें उसमें उसी दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी, समझ गए। तो उम्मीद करता हूं आप भी मेरी इन बातों को फॉलो करोगे
और मन लगा के पढ़ाई करोगे, इसमें पैशनेट क्रिएट करोगे, समझ गए। एक एग्जांपल चलो मैं थोड़ा सा आपको और देता हूं, फिर आगे चलते हैं हाउ टू रिवाइज में। तुलसीदास जी थे, उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, समझ गए। एक बार उनकी वाइफ अपने मायके गई, अब उनको मिलना था उनसे, तो जब उनके घर गए रात को तो बाहर दरवाजे पर लॉक था। अब वो लॉक उन्होंने खटखटाया, नहीं खोला किसी ने, तो एक बराबर में फर्स्ट फ्लोर पर वो सो रही थी, तो रस्सी, उन्होंने सोचा रस्सी है, पकड़ के ऊपर चले गए। तो उनकी वाइफ ने पूछा, अरे आप दरवाजे से नहीं आए, बाहर से आ गए, हाउ यू कम। तो उनका कि देखो वो रस्सी थी, मैं रस्सी पकड़ के आ गया। तो जब वो जाकर उन्होंने देखा तो वो एक्चुअली में रस्सी नहीं थी, सांप था, समझ गए। तो उनको समझ में आया कि इनके अंदर इतना पैशन था मुझसे मिलने का कि इनको सांप रस्सी दिखाई दी। तब उन्होंने कहा कि अगर आप इतनी लगन भगवान के प्रति लगाते तो हम दोनों का बेड़ा पार हो जाता। तो ये पैशनेट है, समझ गए बात, कि जब आपके पास किसी चीज का पैशन आता है ना तो आपको कुछ और दिखाई नहीं देता। तो मेरा पर्पज भी यही है कि आपके सामने आपका गोल होना चाहिए, फिर आपको कुछ भी दिखाई ना दे। देखो चुनौतियां तो आएंगी, आपको उनको साइड करना पड़ेगा। जैसे आप चाय पीते हो ना, नहीं अब चाय पीते हैं जब हम, तो क्या होता है थोड़ी सी ऊपर परत जम जाती है मलाई की, तो क्या करते हो आप हल्के से फूंक मारकर उसको हटा देते हो और चाय पी लेते हो। तो बेटा सेम लाइफ में ऐसे करना है कि चुनौतियों को हटाओ फूंक मारकर और आगे बढ़ो, उसको अचीव करो, समझ गए। ये नहीं है कि हर्डल्स नहीं आएंगे, हर्डल्स तो आएंगे, चाहे आप स्टडी करो चाहे आप बाद में जॉब करो, लाइफ है, बट उसको आपको टैकल करना है, बी पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं हाउ टू रिवाइज, ठीक है। सबसे पहले जिस सीक्वेंस में हमने आपको पढ़ाया है उसी सीक्वेंस में आप करोगे, जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं आप उनको करोगे, ऑडिट मत करना, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो ध्यान से, दिमाग में बिठाओ, क्योंकि पता क्या होता है हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट 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 फटाफट, अरे सर ये क्वेश्चन तो नया है हम कैसे करेंगे। मतलब आपने कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है, उसको पढ़ा, अरे सर ये तो हमने पहले करा ही नहीं हुआ। तो भाई ऐसा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं करा होगा, फिर कैसे करें सर। सुनो आप क्वेश्चन को पढ़ो, एक नई सिचुएशन होगी, ठीक है, उसको दिमाग में बैठाओ, फर्स्ट पैराग्राफ, फिर सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, दोनों को लिंक करो, फिर लास्ट पैराग्राफ पढ़ो, फिर लिंक करो। तो सोचो दो मिनट रुककर कि सर ये कहना क्या चाह रहा है, फिर अपने आप विजुलाइज करो, यू गेट द सॉल्यूशन, समझ गए। और ये मत दिमाग में कभी भी आने दो कि इस जैसा क्वेश्चन आपने पहले कब करा है, कॉन्सेप्ट तो वही है, दिस इज द स्ट्रेटेजी टू टैकल द क्वेश्चन, समझ में आ गई बात। ऐसे ही केस स्टडीज करो, केस स्टडीज आप पूरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट से लिंक करो, और सबसे पहले उसका इशू लिखो कि है क्या, जो क्वेश्चन है उसी को समराइज करना है, दैट इज इशू, फिर कॉन्सेप्ट से रिलेट करना है। जैसे वैल्यू फॉर मनी है, स्कूल है मान लो, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या केपीआई है, केपीआई मतलब कैसे पता लगेगा कि वो अचीव कर रहे हैं, और फिर उसका क्रक्स लिखो। तो हर केस स्टडीज में आपको ऐसा ही डील करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल हो गया, थ्योरिटिकल आपको पॉइंट वाइज बना के चलने हैं कि सर ये थ्योरी है हमारी, लाइफ साइकिल के क्या क्या बेनिफिट है, तो उसको पॉइंट वाइज, ये नहीं करना कि पूरा पैराग्राफ में वर्ड टू वर्ड आपको लर्न करना है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो आपसे चाहता है, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स में आपको करना है, केस स्टडीज, थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, और प्रैक्टिकल, ठीक है, करना आपको सारा है, क्लियर पार्ट बेटा। बस ये ध्यान रखना लास्ट रिवीजन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ सिलेक्टिव कर लेना, हाँ भाई इनको मुझे रिवाइज करते समय करना है, और रिवीजन कभी भी ऑडिट मत करना कि सॉल्यूशन देख लिया, ये फिगर यहां से आई, ये फिगर यहां से आई, तो आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, खुद क्वेश्चन करना कॉपी पर, क्लियर बात बेटा। चलिए ऑल द बेस्ट, राइट, पर फिर भी मैं लास्ट में ये कहूंगा, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट, एंड कंप्लीट स्टडी करनी है, कंप्लीट करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, दिस इज अ प्रायोरिटी, ओके। और इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू मे कॉल एट एनी टाइम, ओके। ये मैं आपको अपना हनी आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, ओके, व्हाट्सएप कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो, ठीक है। चलिए होप यू एंजॉय, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट, बाय बाय, गुड डे, ओके, बी पॉजिटिव, थैंक यू।